नजरों का। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। आरएसएस की इकाई बीएमएस ने की मोदी सरकार और नीति आयोग की आलोचना, औद्योगिक और श्रम नीतियों को बताया जनविरोधी। इंडिगो की शारजा हैदराबाद फ्लाइट में खराबी के बाद कराची में लैंडिंग, 2 हफ्ते पहले स्पाइसजेट का प्लेन भी यहीं उतरा था। दो दिन में उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री जा रहे एकनाथ शिंदे, बीजेपी ने की मदद, शिवसेना नेता का बड़ा दावा। मणिपुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, जाने रेक्टर स्केल पर कितनी रही तीव्रता। देश में 200 करोड़ कोरोना टीके लगे, 18 महीने पहले शुरू हुआ था वैक्सीनेशन, 341 करोड़ डोज के साथ केवल चीन हमसे आगे। ऐतिहासिक स्मारकों पर विवाद के बीच ताकतवर होगी एएसआई, स्मारकों के 100 मीटर में निर्माण रोक सकेगा पुरातत्व विभाग। भगत सिंह को आतंकी कहने पर बोले कुमार विश्वास, चिंगारी सुलगा दी है, आग फैल रही है, पहले आगाह किया तो मुझ पर हंस रहे थे। असम में 6 हाथियों का रेस्क्यू, जंगल में तालाब में गिर गए थे हाथी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रास्ता बनाकर सभी हाथियों को बाहर निकाला। कांग्रेसियों पर केस से भड़की कांग्रेस, पंजाब इंचार्ज हरीश चौधरी बोले आप बदलाव ना ला सकी तो बदला लेने पर उतर आई। दशकों पुराना असम अरुणाचल सीमा विवाद सुलझेगा, दोनों राज्यों के सीएम ने नमसाई समझौते पर किए हस्ताक्षर। बंगाल के गवर्नर, एनडीए के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, झुंझुनू के जगदीप धनखड़ को भाजपा ने बनाया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, 11 साल कांग्रेस में रहे। गहलोत ने सीजीआई के सामने वकीलों पर निशाना साधा, रिजिजू ने कहा हर सुनवाई की फीस 10 से 15 लाख आम आदमी कहां से लाएगा। सीजीआई रमना बोले वैकेंसी नहीं भरने से केस पेंडिंग, कहा देश में 61 लाख से ज्यादा कैदी, इनके फास्ट ट्रायल की जरूरत। बच्ची ने छुए सैनिक के पैर, भावुक जवान ने लुटाया प्यार, लोग बोले ऐसी बेटी हर घर में पैदा होनी चाहिए। बारिश से महाराष्ट्र में 102 की मौत, पानी में डूबा राजस्थान का गंगानगर, सेना बुलाई गई, गुजरात के 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी। सिख दंगे के आरोपियों को फांसी तक पहुंचाएगी एसआईटी, 38 साल बाद सिखों को मिला इंसाफ, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। कावड़ यात्रा में मां भाई को कंधे पर उठाकर निकला, हरिद्वार से बुलंदशहर तक 180 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, दोस्त भी कर रहा इस काम में मदद। यूपी के महाधिवक्ता भवन में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, फायर ब्रिगेड के 2 कर्मी भी झुलसे। बदायूं में युवक पर किया जानलेवा हमला, कावड़ यात्रा निकालने पर जान से मारने की धमकी देने का लगाया था आरोप, 4 पर दर्ज हुआ मुकदमा।
सुल्तानपुर में महिला कांस्टेबल की पिटाई का वीडियो वायरल, साथ ही पुलिसकर्मियों ने बचाई जान, दोषी महिलाओं का शांति भंग में किया गया चालान। बेसिक शिक्षा विभाग की अनूठी पहल, सरकारी स्कूलों को सेना की तैयारी कर रहे युवाओं की तलाश, बच्चों में खेल की प्रतिभा को निखारने का प्रयास लगातार जारी। ट्रक और डबल डेकर बस की टक्कर में 6 की मौत, रामपुर में बाईपास पर ट्रक से लड़ी बस, 4 लोग घायल, रात 2 बजे लगा भीषण जाम। चंदौली में इंडियन बैंक के सीएमडी सहित 7 पर मुकदमा, लॉकर से आभूषण के चोरी के बाद वसूला किराया, नाराज उपभोक्ताओं ने दी तहरी। आरएसएस प्रचारक के सामने होगी पुलिस की परेड, संघ प्रचारक को पीटने वाले पुलिसकर्मी उनके सामने परेड कराकर कराएंगे पहचान। मुरादाबाद में फर्नीचर कारोबारी के घर बुलडोजर चलवाने पर एसडीएम हटे, दोषी पाए जाने पर मुरादाबाद के डीएम ने किए कार्रवाई। डीबीटी के कामों में लापरवाही पर कार्रवाई, बीएसए ने रोका, 10 ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारियों का वेतन कम, प्रगति वाले स्कूलों की भी मांगी गई रिपोर्ट। सीतापुर में चोर की पिटाई में 3 लोगों पर केस, नाबालिग चोर को खंभे से बांधकर पीटा था, दरोगा की तहरीर पर 3 पर मुकदमा हुआ दर्ज। लूलू मॉल में गहराया नमाज बनाम हनुमान चालीसा विवाद, लखनऊ में 4 बार प्रदर्शन, 1 एफआईआर, 100 से ज्यादा पर एक्शन, डीसीपी का हुआ तबादला। अतिक्रमणकारियों से नगर निगम ने वसूला 21,000 का जुर्माना, जनता की शिकायतों पर टीपी नगर में पहुंची मेरठ नगर निगम की टीम। बाराबंकी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, खाली कराई गई जमीन, सरकारी जमीन पर था हिस्ट्री शीटर का कब्जा। भदोई में डीएम ने भूजल संरक्षण की दिलाई शपथ, बोले वर्षा जल का संचयन कर बढ़ाया जा सकता है भूगर्भ का जल स्तर। स्कूल खुला तो गड़ासे से काट डालूंगा, धारदार हथियार लेकर सरकारी स्कूल में घुसा युवक, प्रिंसिपल को दी धमकी, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। मऊ में युवक की चाकू और हथौड़े मारकर हत्या, हमलावरों ने फोन कर बुलाया था घर से, बना रहे थे केस वापस लेने का दबाव। फरुखाबाद में सड़क हादसे में युवक की मौत, ऑटो व बाइक की हुई टक्कर, पुलिस ने कब्जे में लिया ऑटो। सौतेली मां ने किशोरी के ऊपर फेंकी खोलती चाय, किया नजरबंद, पीड़िता के मामा ने हत्या करने का लगाया था आरोप। ललितपुर सड़क हादसे में 2 युवक की मौत, अन्य जानवर और बाइक सवार की हुई थी टक्कर, पीछे से आए वाहन ने कुचला। महिलाओं ने लौटाया नगर निगम का बुलडोजर, मेरठ में 1,000 गज जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंची थी निगम की टीम, जिसको महिलाओं द्वारा हटवाया गया। कासगंज में इंटर कॉलेज के शिक्षक की हत्या, 1 साल से नहीं मिल रहा था वेतन, स्कूल प्रबंधक से गया था मिलने। हाजी इकबाल के परिवार पर कसा शिकंजा, फरार चल रहे बसपा के पूर्व एमएलसी महमूद, मुंबई से हुए अरेस्ट। कुशीनगर का दबंग एसएमआई, 30% कमीशन और चेक से पेमेंट परेशान, कोटेदारों ने थाने में दर्ज कराया केस।
यूपी में 10 आईपीएस के हुए ट्रांसफर, कन्नौज एसपी हटाए गए, आईजी से एडीजी प्रमोट हुए, 2 अफसर सहित 5 सीनियर का भी हुआ तबादला। देवरिया में 20 शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज, फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी कर रहे थे, वेतन की भी अब होगी रिकवरी। किशोरी से 4 युवकों ने किया गैंग रेप, बरेली में शुक्रवार को स्कूल गेट से हुआ युवती का अपहरण, शनिवार को मजार के पास छोड़ा, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, सिपाही को भी लगी गोली, एसआरएन अस्पताल में चल रहा सभी का इलाज। कावड़ ड्यूटी नहीं करने वालों पर होगा एक्शन, डीएमएसएसपी ने लिया कावड़ पटरी मार्ग का निरीक्षण। बद्रीनाथ हाईवे 10 घंटे बाद खुला, पहाड़ी से गिरता मलबा, बोल्डर बना मुसीबत, कर्णप्रयाग में पुसते हुए ध्वस्त। उत्तराखंड में बारिश और आंधी आफत बनकर टूटी छत, गिरने से मासूम और बोल्डर की चपेट में आने से बुजुर्ग की हुई मौत। भाजपा में शामिल हुए रुड़की के कई व्यापारी नेता, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सभी को दिलाई भाजपा की सदस्यता। उत्तराखंड में गृह मंत्रालय के एडवाइजरी के बाद सख्ती, बम निरोधक दस्त और डॉग स्क्वायड ने खंगाले हरिद्वार गंगा घाट। उत्तराखंड में एम्स और मेडिकल कॉलेज लेंगे एक एक गांव को गोद, टेलीमेडिसिन और एयर एम्बुलेंस का भी किया जाएगा विस्तार। पत्नी पर अवैध संबंध के शक पर पति हुआ था आग बबूला, चुन्नी से गला दबाकर कर दी पत्नी की हत्या। उत्तराखंड में कावड़ियों पर ड्रोन से कड़ी निगरानी, दिल्ली और हरिद्वार हाईवे पर ट्रैफिक किया गया डायवर्ट। उत्तराखंड में कोरोना केसों में उछाल, प्रदेश भर में 118 केस, एक पॉजिटिव मरीज की कोरोना से हुई मौत। नैनीताल में चलती बाइक पर बाघ का हमला, पीछे बैठे युवक को जबड़े में दबोच कर भागा बाघ। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ और ऋषिकेश हाईवे पर भूस्खलन, 5 घंटे तक बंद रही सड़क, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के डीएम और एसएसपी का किया ट्रांसफर, सोनिका को मिला डीएम का एडिशनल चार्ज। देहरादून में नदी और झरनों में नहाने का शौक पड़ा भारी, मानसून में इन 3 पर्यटक स्थलों पर जाना होगा बेहद खतरनाक। देहरादून और ऋषिकेश में 5 किशोर सहित 6 नदी में डूबे, 2 के शव भी पुलिस द्वारा किए गए बरामद। रोडवेज बसों में सफर हुआ महंगा, 200 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ दून से हल्द्वानी तक का किराया। सिस्टम के आगे जनता ना हो लाचार, यूपी से विरासत में मिली पेची दी गया हटाने में जुटी धामी सरकार। गर्मी से बेहाल यूरोपीय देश पुर्तगाल, फ्रांस में पारा 44 डिग्री के पार, यूके में रेड अलर्ट, स्पेन में हीट वेव से अब तक कई लोगों की हुई मौत।
मरियम ने इमरान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कहा देश की तरक्की के लिए दो सबसे बड़ी पार्टियों को झगड़ना नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करना चाहता है ईरान, कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए रच रहा साजिश, लीक दस्तावेज में हुआ ये बड़ा खुलासा। ईरान होगा शंघाई सहयोग संगठन का नौवां सदस्य देश, बेलारूस ने भी किया आवेदन। ट्विटर डील खत्म करने से पहले दादागिरी पर उतर गए थे एलन मस्क, सीईओ पराग अग्रवाल को दी गई थी धमकी। बांग्लादेश में पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ हिंदू युवक की फेसबुक पोस्ट पर भड़के कट्टरपंथी, घर जलाए और की तोड़फोड़। रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों में हवाई हमले तेज कर दिए, ज्यादातर हिस्से में तेज किए गए रॉकेट हमले, 16 नागरिकों की भी हुई मौत। सूडान में दो कबीलों के बीच हिंसक झड़प में 31 लोगों की मौत, सैन्य तख्ता पलट के बाद बिगड़े थे वहां के हालात। पश्चिम एशिया को अलग थलग नहीं छोड़ेगा अमेरिका, सऊदी अरब से बाइडेन का ऐलान, कहा अमेरिकी सैद्धांतिक बनाने की कोशिश की जाएगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल ऋषि सुनक ने नीतियों में ईमानदारी पर दिया जोर, कहा करों में कटौती का फैसला किया जाएगा। मेटा पर नया आरोप, प्लेटफॉर्म की थर्ड पार्ट की कार्रवाई से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ह्यूमन राइट्स को बड़ा रिस्क। एचडीएफसी बैंक जून तिमाही रिजल्ट आया सामने, बैंक का नेट प्रॉफिट 19% बढ़कर 9,196 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर चले तो होंगे सफल, कृषि क्षेत्र के विकास पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। चार महीने बाद इंडियन बास्केट क्रूड ऑयल का भाव $100 के नीचे फिसला, पेट्रोल डीजल में कटौती का करना होगा अभी इंतजार। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू करने के बाद भारत का यूएई को निर्यात बढ़ा। आरबीआई ब्लॉक स्तर पर चलाएगा वित्तीय साक्षरता अभियान, गरीब जनता को बचत पर ज्यादा रिटर्न मिलना होगा सुनिश्चित। रेगुलेशंस की कमी के कारण बंद होगी देश की ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिल। इंडोनेशिया में एक्स पेंशन के लिए मास्टर कार्ड का क्रिप्टो फर्म फैसेट से टाई अप, पार्टनरशिप से फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने में भी मिलेगी बड़ी मदद। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची विमान ईंधन की कीमतों में 2.2% की कटौती, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में भी बढ़ोतरी। टीवी फ्रिज ओवन और बिजली से चलने वाले सभी उपकरण की जानकारी क्यूआर कोड पर, सरकार ने दी इजाजत। पीवी सिंधु ने जीता सिंगापुर ओपन का खिताब, चीनी खिलाड़ी वांग को रोमांचक मुकाबले में 21-9, 11-21 और 21-15 से हराया। तमीम इकबाल ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया, वेस्टइंडीज से वनडे सीरीज जीतने के बाद किया ये बड़ा ऐलान।
बांग्लादेश का वेस्टइंडीज में क्लीन स्वीप, कैरेबियंस को उनके घर में 3-0 से हराया, तेजुल इस्लाम ने चटकाए करीब 5 विकेट। विराट कोहली ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के समर्थन पर दिया शानदार जवाब, कहा चमकते रहो आप भी। शोएब अख्तर ने किया विराट का समर्थन, बोले कोहली ने 70 अंतरराष्ट्रीय शतक घर के आंगन में नहीं लगाए। भारत और इंग्लैंड तीसरा ओडीआई आज, 8 साल बाद इंग्लैंड की धरती पर सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया। अट्ठानवे साल में पहली बार भारत में चेस ओलंपियाड, 28 जुलाई से चेन्नई में होगा दुनिया का सबसे बड़ा चेस टूर्नामेंट, 2500 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। आईपीएल के आगे झुकी आईसीसी, जब तक आईपीएल होगा तब तक दूसरा इंटरनेशनल मैच नहीं होगा, पाकिस्तान का विरोध हुआ खारिज। लंदन की सड़क पर भीड़ में फंसे धोनी, माही को धक्का लगा, हाथ से सामान गिरा, सुरक्षा कर्मियों ने सहारा देकर कार तक पहुंचाए। भारतीय शूटर ने वर्ल्ड कप में जीता गोल्ड, 21 साल के ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में किया कमाल, भारत टॉप पर। तस्लीमा नरसीन ने किया सुष्मिता ललित के रिलेशनशिप पर कमेंट, बोली एक्ट्रेस एक अनअट्रैक्टिव व्यक्ति के साथ है, क्या वो पैसे के लिए बिक गई। चित्रांगदा सिंह का फेवरेट वर्कआउट, मॉर्निंग सेशन में कोर्ट के साथ बॉक्सिंग करते नजर आई एक्ट्रेस। सुष्मिता सेन और ललित मोदी कर रहे हैं डेट, बेटा रुचिर मोदी बोला ये उनकी लाइफ और डिसीजन भी उनका है। राम गोपाल वर्मा की मुश्किलें बढ़ी, फिल्म मेकर के खिलाफ मुंबई कोर्ट में हुई शिकायत, राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी करना पड़ा भारी। केसरिया सॉन्ग का फुल वर्जन हुआ रिलीज, रणबीर आलिया की फिल्म ब्रह्मास्त्र का मोस्ट ओवररेटेड गाना हुआ रिलीज। चिरंजीवी के घर हुई लाल सिंह चड्ढा की स्पेशल स्क्रीनिंग, नागार्जुन राजामौली समेत साउथ स्टार्स ने देखी फिल्म, 11 अगस्त को रिलीज होगी। ताहिरा कश्यप ने शेयर किया वीडियो, पेरिस की गलियों में आयुष्मान खुराना के साथ मस्ती करती नजर आई एक्ट्रेस ताहिरा। रॉकी और रॉनी की प्रेम कहानी की रिलीज डेट पोस्टपोन, आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी के कारण डिले हुई फिल्म की शूटिंग। महारानी 2 का टीजर हुआ रिलीज, मुख्यमंत्री के रोल में एक बार फिर छाई हुमा कुरैशी, पति के बदले पर बेस्ड होगा ये सीजन। शहनाज गिल का वायरल वीडियो, एक्ट्रेस से गले मिलकर इमोशनल हुई फैंस, लोगों ने कहा दिलों की मलिका है शहनाज गिल। हमारी आज की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।